सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतनी देर से क्यों आ रही हैं। तो वीडियो इस देर से इसलिए आ रही हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे उनकी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। तो जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अपनी वीडियोज़ रेगुलर डालना शुरू कर दूँगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये एक प्लेस्टेशन 2 है, एक 22 साल पुराना कंसोल। ये आज की डेट में कैसा परफॉर्म करता है ये मैं आपको बताऊँगा, और ये मुझे कितने में मिला, क्या इसमें प्रॉब्लम थी और क्या मैंने फ़िक्स किए हैं, कैसे किए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या ये 2022 में वर्थ इट करता है या फिर नहीं, ये भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले ये कंसोल मैंने कितने में ख़रीदा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ऑनलाइन 2000 में ख़रीदा है, आपको ऑफलाइन में शायद सस्ता मिल जाएगा। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे आके ये अटक जाता था, मतलब उससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाता था, जैसे गेम्स में गेम्स भी नहीं ओपन हो रही थी। तो उसका कारण था कि इसमें जो सॉफ्टवेयर था मेमोरी कार्ड में वो उठ चुका था, तो इसी कारण से उन्होंने ये बेच दी थी और मैंने ये ख़रीद ली। इसमें 100 रुपये का सॉफ्टवेयर डाला था और गेम्स में इसमें है नहीं थी, वो भी मुझे डलवानी पड़ी, वो भी 100 रुपये की डल गई थी। तो अभी मेरे पास गेम्स 2 ही हैं, तो वो मैं आपको खेल कर दिखाता हूँ कि वो कैसी चलती हैं और क्या आपको परफॉर्मेंस देती हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि पुरानी गेम्स में स्टोरी और गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था, तो वो भी हम देखेंगे। सो ये प्ले स्टेशन है, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके साथ मुझे ये कार्ड मिला है और ये पेन ड्राइव है जो 32 GB का, इसमें सिर्फ 2 ही गेम्स हैं। और इसकी मैंने कुछ एक्सेसरीज भी ख़रीदी थी और 2 कंट्रोलर मैंने अलग से ख़रीदे हैं इसके। एक इसके साथ मिला था, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा, और एक ये अडेप्टर ख़रीदा इसके साथ ताकि ये 4 रिमोट को कनेक्ट कर सके, क्योंकि इसमें जो पोर्ट्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, आप इसमें 4 रिमोट नहीं कनेक्ट कर सकते, तो आपको वो ज़रूरी लेना ही होगा अगर आपको 4 प्लेयर कनेक्ट करने हैं। तो अभी मैं पुरानी टीवी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ये जो लाइन आ रही हैं टीवी में वो असली में नहीं है, वो सिर्फ कैमरे की वजह से आ रही हैं। सो दोस्तों, अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही गेम्स हैं, एक है स्मैकडाउन पेन और एक है गॉड ऑफ वॉर। तो सबसे पहले मैं आपको स्मैकडाउन पेन दिखा देता हूँ कि ये कैसे चलती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे करेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये गेम सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गेम है उस टाइम की। अभी तो 2022 आ गई है, वैसे इन गेम्स को खेलने में मज़ा बहुत आता है। Thank you.
तो ये वर्थ इट है या फिर नहीं? तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है कि आप 2000 रुपये लगा कर एक अच्छी गेम खेल सकते हैं, वो भी पुराने वाली जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी के साथ आती थी और अच्छे गेम प्ले के साथ भी आती हैं। सो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।